नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे ऐसे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनका प्रयोग करने से अनेक बीमारियाँ दूर होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण पेड़ दिखा रहा हूँ। दोस्तों, देख लीजिए और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। और इसके फूल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसके फूल आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर और आकर्षक इसके फूल हैं। देखने में यह फल की तरह से दिखते हैं। दोस्तों, यह पेड़ महुआ का है। महुआ में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इसका जो फूल होता है बहुत ही पौष्टिक होता है और मजबूती प्रदान करने वाला होता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, खाते हैं या इसका सेवन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कभी कमजोरी नहीं होती है। घुटने के दर्द से छुटकारा मिलता है। जीवन में कभी कमर और घुटने का दर्द नहीं होता है। दोस्तों, इसका उपयोग, इसका किस तरह से प्रयोग करना रहेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ ले करके आते रहते हैं। दोस्तों, पहले के समय में इन फूलों, इन फलों का प्रयोग करके हमारे जो पूर्वज थे वो मजबूत हुआ करते थे, स्वस्थ हुआ करते थे और निरोग रहा करते थे। दोस्तों, आज भी समय आ गया है कि इन जड़ी बूटियों को पहचानें, इन नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें, इन फलों और फूलों का प्रयोग करें। दोस्तों, महुआ का फल का नहीं प्रयोग करना रहेगा आपको, इसके ये जो फूल दिख रहे हैं वीडियो में इसका प्रयोग करना है। 12 महीने इसके फूल ताज़े तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये फूल भारतवर्ष के हर जगह पे मिलते हैं। इसको सुखा के रखा जाता है, ये पंसारी की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी है, घुटनों में दर्द रहता है, आप चलने फिरने लायक नहीं रह गए हैं, आपके कमर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, आपको सुस्ती रहती है, थकान रहती है, आप उठ नहीं पाते हैं, आपको इतनी कमजोरी हो गई है कि आप एक मिनट भी टिक नहीं पाते हैं तो घंटों घंटों तक आप टिके रहेंगे। दोस्तों, इतना ताकतवर ये फूल होता है कि इसका प्रयोग करने से एक नामर्द भी मर्द बन जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग विधि मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। केवल 5 पीस इसका फूल, आप सूखा हुआ फूल पंसारी के दुकान से ले लें, आराम से आपको मिल जाएगा। 5 पीस इसका फूल और आधे लीटर गाय के दूध में पकाएं, आधे लीटर गाय के दूध में आप पकाएं। जब ये दूध जल करके आधा बचे यानी 250 ml बचे, उसके बाद कंटिन्यूअस इसे सुबह में सेवन करें। दोस्तों, सुबह सुबह आपको इसे पीना रहेगा और इस फूल को खाना रहेगा। प्रतिदिन अगर आप इसका सेवन करते हैं तो एक महीने के अंदर ही आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी कमजोरियां हैं दूर हो जाएंगी। घुटनों और कमर के दर्द से तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जीवन में कभी आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा और ना ही आपके कमर में कभी दर्द होगा। कभी ना आपको सुस्ती महसूस होगी, ना कमजोरी महसूस होगी। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से टाइमिंग भी बढ़ता है और यहाँ तक ना मर्द भी मर्द कहलाने लायक हो जाते हैं। इतना पौष्टिक, इतना स्वस्थवर्धक ये फूल होता है। दोस्तों, इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, आपके अंदर इतनी ताकत आएगी कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपका जीवन सुखमय हो रहा है। दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।